अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कुक शबाना अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। आइए आज मैं आपको बहुत शानदार, बहुत मजे की, बहुत लजीज पंजाब की एक रवायती साइड डिश बेसन की टिक्कियां बनाना सिखाऊंगी। तो बेसन की टिक्कियां बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक प्याली बेसन की, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ, बारीक कटा हुआ धनिया, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनारदाना, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज और देसी मसाला जात जिनमें नमक मिर्च और हल्दी हम इसके अंदर यूज करेंगे। और इनको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कुकिंग ऑयल की। तो आइए लजीज बेसन की टिक्कियां बनाना शुरू करते हैं। तो आइए बेसन की टिक्कियां बनाने के लिए हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बेसन डालेंगे एक बाउल के अंदर, ये एक प्याली है और तकरीबन ये आधा पाव बेसन है, और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज, ये दो अदद प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज के, ये अंदर ऐड कर देंगे। इनसे बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा टिक्कियों के अंदर। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ, दो चम्मच ऐड कर रही हूँ, इनसे भी अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च दो से तीन अदद मैंने काट के रखी है, ये अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही अंदर ऐड करेंगे सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ तकरीबन एक चम्मच है, और अनारदाना बड़ा एक चम्मच, इनसे भी बहुत अच्छा अंदर टेस्ट आएगा, ये अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम अंदर ऐड करेंगे देसी मसाला जात नमक एक चम्मच अंदर ऐड कर रही हूं, सुरख मिर्च एक चम्मच मोटी कुटी हुई है, और इसके साथ हम टिक्कियों के अंदर हल्दी भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी अंदर कलर भी बनेगा और इसकी लुक भी अच्छी बनेगी। ये हल्दी मैंने तकरीबन जो है वो आधा चम्मच अंदर ऐड की है। तो आइए अब इस मसाले को मिक्स करते हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, इसको हम देख के बाद में ऐड कर लेंगे। इस तरह से इनको मिक्स करेंगे। टिक्कियों के लिए मसाला तैयार हो चुका है। देखिए इस कदर आपने इसको थोड़ा पतली शेप में आप रखेंगे, बहुत ज्यादा ना तो ये गाढ़ा चलेगा और ना ही बहुत ज्यादा पतला, हम इसको दरमियाना रखेंगे, ना पतला ना गाढ़ा। तो इसका ये तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम इसकी टिक्कियां फ्राई करते हैं। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए बनाने के लिए मैंने एक तवा लिया है, इसके ऊपर ऑयल डाल दी है और इसको मैंने गर्म कर लिया है, फुल आंच पे इसको मैंने गर्म किया है। और अब इसको मैं आंच को थोड़ा हल्का कर दूंगी और हल्की आंच पे हम इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे। अगर तेज आंच होगी तो आपकी टिक्कियां जो है वो जल जाएंगी। तो आइए टिक्कियां बनानी शुरू करते हैं। इस तरह से एक चम्मच में हम ये लेंगे बेसन जो हमने तैयार किया है, और इस तरह से आप डालते जाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे। आंच बिल्कुल नीचे स्लो है। आइए इन टिक्कियों को चेक करते हैं, इनकी एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। इस तरह से आपने इनको करना है और ऐसे इनकी साइड हम पलटते जाएंगे। जिस साइड से आपने टिक्कियां डाली थी उसी तरह से इनको इस तरह से आपने पलटते जाते हैं। ये बहुत ही मजे की टिक्कियां बनती हैं, बरसात का मौसम हो बारिश का मौसम हो तो आप इनको बना के चाय के साथ खा
खा सकते हैं, आप इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मजे की बनती है। आज इस लम्हे मैंने थोड़ी सी तेज की है ताकि इनकी दूसरी साइड जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। मीडियम पे मैंने आंच को रखा हुआ है। आपने टिक्कियां बनाते वक्त इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, ये एक खास टिप है कि आपने आंच नीचे स्लो रखनी है ताकि आपकी टिक्कियां जो है वो जले ना। टिक्कियों की दूसरी साइड भी तैयार हो चुकी है, तो आइए अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखें इनकी बहुत अच्छी लुक बनती है, बहुत ही ये टेस्टी बनती है। एक आसान सी ये रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए बेसन की टिक्कियां तो आप घर में इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये टिक्कियां जो हैं वो कैसी लगी। इंतहाई लजीज, मजेदार और शानदार बेसन की टिक्कियां तैयार हो चुकी हैं। आप इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने कुक शबाना अंसारी को इजाजत दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।